Oh, बसमिल रहीम आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द मैच विनर सो so, आज बड़ी खुशखबरी है कि, कि जी पाकिस्तान ने पाकिस्तान बोर्ड ने अनाउंस कर दिया कि, कि जी जो पी एस एल के बकाया मैचज़ रह गए थे वो अब है ना चौदह पंद्रह और सत्रह इसी महीने में खेले जा रहे हैं मेरा दिल था कि मैं इस पर बात करूँ ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लेकिन मैं आज के दिन में आज से बावन साल पहले सर गैरी सोबर ने छः छक्के मारे थे ये पहले बैट्समैन बने थे दुनिया के जिन्होंने ये छः छक्के मारे थे तो टी ट्वेंटी के हवाले से बात थी ना कि छक्के चौकों की गेम है तो मुझे गैरी सोबर का याद आया क्योंकि उन्होंने आज से बावन साल पहले जहाँ ऊंचा शॉट खेलने को है ना बुरा समझा जाता था क्योंकि जी ऊंचा शॉट जो खेलता था उसको बुरा समझा जाता था तो उस टाइम उन्होंने छः छक्के मार दिए थे और ये उस वक्त के वाहिद बैट्समैन थे जो तेज़ खेला करते थे क्योंकि ये खुला अपना स्ट्रोक खेलते थे इतने आराम से नहीं खेलते थे उसके बाद फिर विब रिचर्ड ने आके ना गेम को फास्ट किया था क्योंकि जी फास्ट बॉलर्स से अटैक किया उनसे पहले ये गैरी सोबर सर गैरी सोबर ने ना ये अटैक किया करते थे अच्छा इनकी एक बात आपको मज़ेदार और बताता हूँ जो दुनिया में कभी किसी बैट्समैन ने नहीं कही और मेरे ख्याल में मैं भी बैट्समैन हूँ हमें भी कभी ईजी नहीं लगती थी लेकिन सर गैरी सोवर एक कहा करते थे कि जिस टाइम विकेट पर बॉल स्विंग हो रहा हो ना तो मेरे लिए खेलना आसान होता है कि मैं बॉल की स्विंग के साथ खेलता हूँ मुझे ज़्यादा इंजॉय आता है बशक कोई फ्लैट विकेट हो तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये अकेले बैट्समैन थे ऐसे सो आज आज दिन था कि जी आज से बावन साल पहले आज ही के दिन पे उन्होंने ये किया था तो मैंने कहा उनको थोड़ा सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए तो बात पी एस एल की थी क्योंकि बोर्ड ने बड़ा अच्छा इकदाम किया क्योंकि कि जी पी एस एल के बकाया मैचज़ कराने शुरू कर दिए कि हमें ये पता चले कि, कि जी इस साल का कौन चैम्पियन है और दो जो टीमें हैं उनको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होगा कि एक तो मुल्तान पहली दफ़ा सेमीफाइनल में आई है क्योंकि जी अभी उनकी टीम इतनी पुरानी नहीं लेकिन इस दफ़ा पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी क्योंकि जी वो काफ़ी मार्जिन से कि जिस टाइम टूर्नामेंट स्टार्ट ही हुआ तो वो टॉप पे रहे और अभी तक टॉप पे और जिस तरह का उनका टीम का बैलेंस था जिस तरह वो लड़के खेले हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखता था क्योंकि जिस कम्बिनेशन से खेले जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली तो उनको सारों से ज़्यादा इंतज़ार होगा कि जी हम ये वाला टूर्नामेंट शुरू हो जिस तरह की उनकी टीम फॉर्म में थी सो अब पता नहीं कि जी वो वाली फॉर्म कंटिन्यू करती है उनके वो सारे प्लेयर उस तरह आ रहे हैं उसी तरह प्रैक्टिस में है ये भी एक है ना मैटर है ना आ, 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 बड़ा ज़रूरी है, है क्योंकि जी इस पे भी टीमों की परफॉर्मेंस बहुत डिपेंड करेगी कराची और जो है अपने पिशावर वो बिल्कुल आखिरी लम्हों पे क्योंकि जी य मैच इस तरह हो जाए इस तरह हो जाए पहुँच जाए लेकिन दोनों सीज़न टीम में हैं दोनों सीज़न कंपेनर हैं तो वो अपने आप को मैनेज करेंगी लेकिन इस टूर्नामेंट में ये बड़ा चीज़ होगी क्योंकि सारे प्लेयर्स ये आने इस टाइम आने के लिए तैयार हैं क्योंकि जी वो ट्रैवल कर रहे हैं कोई उनकी और मसरूफियत तो नहीं है तो ये भी एक है ना क्योंकि शेड्यूल में कोई चीज़ तय हो ना तो उसमें आदमी अपने पूरे साल का शेड्यूल बना लेता है तो ये भी एक चीज़ है ना मैटर करेगी दूसरे की टीम की परफॉर्मेंस में और सारों से ज़्यादा जो मेरे ख्याल में खुशी हुई होगी सेमीफाइनल में पहुँचने में वो लाहौर कलंदर को होगी पिछले चार से पाँच सीजन में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी क्योंकि जी वो हम सारे सीजन में लास्ट पे आए हैं इस दफ़ा उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और स्पेशली उस टाइम क्योंकि के के जिस टाइम उनका शुरू का जो उन स्टार्ट था वो पिछले सालों की तरह ही था लेकिन उन्होंने बीच में से आके पिक पकड़ी और फिर सारी टीमों को बड़े ज़बरदस्त मार्जिन से हराया बैन डक जो उनका प्लेस था बेंटन जो दूसरे प्लेयर थे सारों की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी और स्पेशली जिस टाइम उनका कप्तान अख्तर जो ऊपर जाना शुरू हुआ कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो टीम की शक्ल है ना बिल्कुल से बदल गई सो लाहौर कलंदर को भी बड़ा इंतज़ार होगा कि ये टूर्नामेंट कब शुरू हो गया कि जी वो भी उनकी आंखों में भी यला ख्वाब होगा कि जी हम पहली दफ़ा पी एस एल जीत जाए लेकिन जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे थे जिस टाइम जो अगर ये गैप ना आता जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेलनी शुरू की थी सो मुझे उस टाइम लग रहा था कि इनके चांसेस मुल्तान से भी ज्यादा हैं क्योंकि इन्होंने जिस तरह पिक पकड़ी थी और जिस तरह इन्होंने नीचे हाई स्कोरिंग गेम चेज किए थे तो वो टीम का ना मुराल बहुत ऊपर लेके जाते हैं अब पता नहीं कि जी उनका मुराल का लेवल वही है या बैंडक बैंड डंक उसी रिदम में है बॉलर उसी रिदम में है सारी चीज़ें ये बड़ा मैटर करेगा अब सो so, अब जो सारों की पोजीशन है तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अब है ना वो जो टेबल की पोजिशन थी ना वो सारी ख़त्म हो गई हैं क्योंकि जी आप बड़ा अच्छा खेलते आ रहे हैं आपकी टीम रिदम में है आपकी टीम का एक कम्बिनेशन बना हुआ है इसको दोबारा से बनाना ना बड़ा मुश्किल है तो अब ये देखने में आएगा कि जी पहला मैच जो ए, पहले मैच से हमें आइडिया हो जाएगा कि जो कराची का और मुल्तान का मैच है कजाफी स्टेडियम में सारे मैचेस कजाफी स्टेडियम में ही हैं तो इनका मैच देखने से हमें पता चल जाएगा कि जी टीम की शेप क्या है और दूसरा मैच ये अपना जर, किराया पिशावर जलमी का और लाहौर कलंदर का है ये मैच देखने से ताल्लुक़ रखता है दोनों का क्योंकि लाहौर वालों के लिए लाहौर में खेलना और जीतना मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त बात होगी तो और ये जो पहले फॉर्मेट था ना कि आप सेमी फाइनल खेल के सीधा फाइनल खेलते तो अब इन्होंने चेंज किया वो डबल हेडर वाला जो पहले रूल था कि जी वही वापसी लेके आए हैं कि जी जिस तरह मुल्तान टॉप पे है अगर ये खुदा ना खास्ता कराची से हारती है तो इनको एक मौका मिलेगा इसी तरह उधर से भी यही सूरत हाल है सो ये वाली चीज़ें है ना बड़ा ज़बरदस्त होगा कि ये मैचेस चौदह पंद्रह और सत्रह को इसी महीने में होंगे सो मेरे ख़्याल में लोग तो ग्राउंड नहीं जा सकेंगे ग्राउंड तो खाली होंगे लेकिन हम टी वी बैठ के देखेंगे ये अच्छा एक है कि क्रिकेट शुरू हो रही है ग्राउंड आबाद हो रहे हैं किसी भी दर्जे में ये बड़ी अच्छी बात है इसके बाद हमारी फ़र्स्ट क्लास है तो इसके साथ एक खुशखबरी और भी है वो ये कि जंबावे भी पाकिस्तान आ रही है उन्होंने पहले हाँ कर दी थी लेकिन वेन्यू नहीं डिसाइड हो रहा था कि, कि जी हम कराची में खेल लें पिंडी में या मुल्तान में तो अब उनका भी यही डिसाइड हुआ है कि जी हम कजाफी स्टेडियम में खेलेंगे और वो भी इसके बाद है ना सीरीज़ के लिए आ रही है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि जी ऐसे ऐसते ना चीज़ें खुलना शुरू हो रही हैं क्योंकि जी आप है ना एक पॉजिटिव उसकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि जी एक दाम की तरफ क्योंकि जी पहले इससे पहले हमने बांग्लादेश को बुलाया श्रीलंका को बुलाया अब जम्बावे आई हैं ये सारी कोई भी बड़ी टीम नहीं है बड़ी टीम नहीं है इनमें से ना श्रीलंका का ऐसा कोई है ना बांग्लादेश का था कोई ना ये जम्बावे का लेकिन यह क्या कि जहाँ हमारी क्रिकेट नहीं हो रही थी तो अब शुरू होनी शुरू हो गई है तो इन श्ला जो अगला कदम है कि जी बहुत ज़्यादा चांसेस मेरे ख्याल में है कि जी इंग्लैंड भी पाकिस्तान का टूर करेगी तो ये हमारी क्रिकेट के लिए ना टर्निंग पॉइंट हो जाएगा कि एक तो ये ये कोरोना की वजह से क्योंकि जी टीमें थोड़ा सा हेजिटेट कर रही हैं दूसरा हमारे से हमारे यहाँ तो पहले से क्रिकेट नहीं हो रही थी तो हमें सिर्फ चाहिए कि जी एक बड़ी टीम है ना पूरा टूर हमारे से कर जे सो हमारा ये कि जी हमारे सारे ग्राउंड आबाद हो जाएंगे हमारे बच्चे अपने हीरोज़ को ग्राउंड में जाके देख सकेंगे और हम अपने हीरोज़ को सामने से खेलता हुआ देख सकेंगे जो बहुत ज़रूरी है चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो अब देखते हैं कि जी चौदह पंद्रह और सत्रह को कि जी मैचेस किस तरह होते हैं oh,